देखिए दूल्हे की रेसिपी बनाऊंगी, एकदम से सॉफ्ट है हमारी और बहुत ही अच्छी है। चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। आज मैं दाल में का दूल्हा बनाऊंगी, उसके लिए मैंने मसाला ले लिया। ये हमारी प्याज है, या लहसुन है, या काली मिर्च है, और यह थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा है, और यह हरी मिर्च है, और यह जीरा है, थोड़ी सी लवंग है। इसमें आप मसाले को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैं इसको पीस लूँगी, तो पीस ले रही हूँ। मैं तेल पर ही पीसूँगी। का दूल्हा बनाने के लिए मसाला पीस लिया है। मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दे रही हूँ। देखिए ये हमारा गरम मसाला है, भुना हुआ जीरा है, और मैंने साबुत जीरा भी पीसा है इसमें। इसमें इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। देखिए मैं थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दे रही हूँ। आप अपने अनुसार से नमक डाल दीजिए। आप इसमें कुछ मसाले हटा भी सकते हैं। मैंने मटर और अरहर की दाल को मिला करके धुल लिया है। मैं थोड़ा सा पानी कुकर का गर्म हो जाएगा तब मैं उसमें ऐड कर दूंगी। देखिए मैंने गैस को जला दिया है, मैं कुकर को रख दे रही हूँ। हमारा पानी गर्म हो जाएगा थोड़ा सा तब मैं इसमें दाल को डाल दूंगी। देखो गूंद के रख लिया था, और थोड़ा सा हमारा आटा रेस्ट में हो गया है, इसलिए ये सही हो गया, सेट हो गया हमारा आटा। देखिए मैं छोटी छोटी लोइया ले रही हूँ। मैं इसी प्रकार गोल करके बेल लूँगी, और बेल ले रही हूँ एकदम पूरी की साइज की। और देखिए इसको ऐसे करके बनाना है। इस प्रकार आप बना देंगे, देखिए। और इसका ऐसे मुँह कर दीजिए, इधर से ये इधर से खुला रहेगा, जिससे दाल जो है इसमें भर जाएगी और दाल का स्वाद भी इसमें बहुत अच्छी तरह आएगा। देखिए आप इस प्रकार बना सकते हैं। देखिए मैंने लोई बना दी है, बॉल की तरह इसको दबा दिया है। आप इसमें थोड़ा परथन लगा करके इस प्रकार बना लीजिए, क्योंकि यह पूरी की साइज का हो जाए। आप और बेलन चौके से भी बना सकते हैं, और इसको गिलास की सहायता से काट भी सकते हैं, ढक्कन की सहायता से। देखिए मैंने बना लिया, इतना बड़ा हो गया है। इसको आप इसी प्रकार ऐसे करके दबा दीजिए, हल्का सा ऊपर से दबाइए, जिससे इसका रस भर जाए दाल का। पानी खौल गया है, मैं इसमें दाल को डाल दे रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, यह बहुत ही अलग तरह खा लेंगे तो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है यह रेसिपी। देखिए मैं मसाले को भी डाल दे रही हूँ इसी प्रकार, सफाई डाल के इसको धुल के भी डाल दे रही हूँ। इसको मैं चला दे रही हूँ, जिससे मसाला हमारा बराबर से मिल जाए। और दो सीटी आने तक दाल पक जाएगी, फिर मैं इसको खोल दूंगी। हमारी सीटी लग रही, मैं इसी प्रकार इसको बना ले रही हूँ। आप हाथ की सहायता से बना सकते हैं, और इस प्रकार भी बना सकते हैं। ये थोड़ा जल्दी जल्दी होगा। आप बड़ी रोटी बना करके भी इसको काट सकते हैं, ढक्कन या गिलास की सहायता से, छोटी गिलासी की सहायता से। से बनाएंगे तब भी यह सुंदर लगेगा। इसी प्रकार हाथ की सहायता से थोड़ा हल्का मोटा बनाइए, एकदम से
बारीक मत कीजिए। जब तक हमारी दाल पक चुकी है मैं इसको बना ले रही हूँ, तब डाल करके पकाऊंगी। पकाते समय खोल कर ही पकाऊंगी, क्योंकि हमारी दाल थोड़ी बहुत पक चुकी है और थोड़ी सी बाकी होगी वह इसके साथ पक जाएगी। दाल को एकदम से गलाना नहीं है। इसको दूसरी तरह भी बना सकते हैं। देखिए मैंने बॉल बना लिया है, इसके अंदर आप ऐसे करके ऐसे कर दीजिए और डाल दीजिए, इसमें पक जाएगा वहां पे। आप इसके साइज को छोटी बड़ी भी कर सकते हैं। सारे दूल्हे बन गए हैं दाल वाले, अब मैं इसको दाल में डाल दूंगी। कहो बोलते हैं देखिए मैंने दाल को खोल दिया है। देखिए मैंने दाल को गरम कर दिया था, यानी गरम दाल में ही मैंने इसको डाला है, नहीं तो यह चिपक जाएगा। और देखिए जब हमारा एकदम से दाल का पानी खोल रहा है इससे यह चिपकेगा नहीं। मैं इसको थोड़ा सा कचूर की डंडी की सहायता से इसको घुमा फिरा दे रही हूँ, गरम की दाल की वजह से यह ऊपर ही है, नहीं तो चिपक जाता। मैं इसको घटा बड़ी करके और आँच को तेज करके इस प्रकार कर दे रही हूँ जिससे यह उबलेगा नहीं और पक जाएगा। देखिए हमारा इसी प्रकार पक रहा है, आप भी इसी प्रकार बनाइए और सीटी यानी बंद करके इसको अंदर सीटी मत लगवाइए, नहीं तो यह ज़्यादा गल जाएगा। जब आप खुलता पकाएंगे तो यह बहुत अच्छी तरह पकेगा और खड़ा खड़ा रहेगा एकदम से, जिस प्रकार हमने बनाया था। और ये बनाने में इतना टेस्टी होगा कि आप इसको बहुत जल्दी खाकर ख़त्म कर देंगे और फिर बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए आप इसी प्रकार चला लीजिए, दो चार बार इस प्रकार चला दीजिए और इसको इस मुँह से मत चलाइए नहीं तो फूट जाएगा इसमें। देखिए मैं इसको ढक दे रही हूँ खटबड़ी करके। देखिए मैंने तड़के के लिए गैस पे तड़का पैन रख दिया है, मैं जब यह तड़का पैन गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें तेल डाल दूंगी, मस्टर्ड ऑयल। जब हमारे तेल में से धुआं निकलने लगेगा तब मैं इसमें प्याज और कड़ी लिप्स डाल दूंगी जिससे यह जल जाए थोड़ा सा, कड़वा तेल है तभी अच्छा लगेगा। देखिए मैं प्याज को ऐड कर दे रही हूँ तड़के के लिए और मैं कड़ी लिप्स डाल दे रही हूँ। इधर देखिए यह हमारा दालने का दूल्हा भी बन रहा है। हमारे आटे का इसलिए हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है और दाल में प्रोटीन ज़्यादा होती है, यह भी हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है क्योंकि इसमें तेल का अधिक प्रयोग नहीं किया गया। आप इसमें कई दाल को मिला करके भी बना सकते हैं, केवल चने की दाल को भी बना सकते हैं डाल करके, आप इसको कई दाल को मिलाकर बना सकते हैं एक साथ। यह हमारा बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। देखिए मैं तड़का लगा दे रही हूँ, लगा करके इसको ढक दे रही हूँ थोड़ी देर के लिए। हमारा तड़का बहुत ही अच्छी तरह लग गया। चने का दूल्हा बन करके तैयार है और यह बहुत ही टेस्टी है। देखिए हमारा यह बहुत सॉफ्ट बना है, एक बार बनाना बनता है, एक बार आप जरूर बनाइए और खाइए। आप खाने के बाद इसको भूल नहीं पाएंगे, फिर बना करके खाएंगे।
यह हमारी बहुत ही अनोखी रेसिपी है। पौष्टिक से भरपूर है यह हमारी रेसिपी। बच्चों, बड़ों और सभी को यह पसंद आने वाली है। उसे खाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज लाइक अवश्य करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मैं मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।